बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मुरादपुर जिला में उपस्थित हैं और जिस शख्स के पास हम आए हैं इनकी पहचान की कोई जरूरत नहीं है या यहाँ पर जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं में इनकी जो है एक पकड़ है और एक इनकी प्रतिष्ठा है और खास करके ये जाने जाते हैं किस लिए कि यह जो है एक मनुवादी विचारधारा का विरोध करते हैं। अब मनुवादी विचारधारा में किस विचारधारा को विरोध करते हैं तो मनुवादी विचारधारा को जो लोग संचालन करता है यानी ऐसा कहा जा सकता है कि ब्राह्मण जो रीति रिवाज है उसका ये खुलेआम विरोध करते हैं। ऐसा तो है बाईकास्ट जो है यादव हैं, इनका नाम पूरा जवाहरलाल राय हुआ है। यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में यादवों को राय कहा जाता है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग चीज़ कहा जाता है। तो जिस शख्स के पास हम पहुँचे हुए हैं इनका नाम है जवाहरलाल राय और आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कहते हैं कि ब्राह्मण रीति रिवाज जो है वो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है तो कैसे श्राप है ये हम जानने का प्रयास करें। जवाहर जी आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो आप जो कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है हिंदू समाज के नाम पर समाज को गुलाम बना कर रखा है तो ये क्या है, ये क्या तथ्य है? जैसे ब्राह्मण ने गुलाम इसलिए बना कर रखा है कि हमारे सनातन धर्म जो बौद्धिक धर्म है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया उस 563 ईसा पूर्व से महात्मा बुद्ध का जो है यह बौद्धिक धर्म चला और उसके रीति रिवाज से हम लोगों को पूर्वजों ने उसका प्रचार प्रसार किए और उसके रीति रिवाज से हम लोगों के यहाँ शादी विवाह का प्रचलन रहा। देवी देवताओं का कोई पूजा पाठ होता नहीं था, वह भारत में ही देवी देवता का ही पूजा पाठ हो रहा है, अन्य देशों में नहीं है। अगर अन्य देशों में देवी देवताओं के पूजा पाठ होता तो हम लोग मानते कि भारत में ही नहीं अन्य देशों में हो रहा है। ऐसा नहीं, कई देशों में तो शिवलिंग का प्रचार है। शिवलिंग, अब शिवलिंग क्या है? शिव का पूजा करने से पहले शिव के लिंग का पूजा होता है। लिंग क्या होता है? लिंग शब्द का प्रयोग जो ब्राह्मण बाजी में होता है। एक सवाल मेरा यह है कि जो माँ 9 महीना कोख में बच्चे को रखती है और जो पिता एक बच्चे के लिए हर कुकर्म कर्म करके पालन पोषण करता है, इनके मरने उपरांत उसको छुटका का जो व्यवस्था है ये क्या है? छुटका में बिल्कुल ये जो छुटका का व्यवस्था है, हमारा माता पिता ने हमको माँ ने 9 माह गर्भ में रखा, उसके बाद वो अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे जन्म दिया और वह माता जन्म देने के बाद हमारा पिता उसका पालन करते हैं। बीमारी हो, दवा हो, भोजन हो, सारी व्यवस्थाएं हमारे पिता करते हैं। यानी माँ कहा गया है हमारे धर्म में कि माता स्वर्ग है और स्वर्ग का दरवाजा पिता होते हैं। तो वैसे अवस्था में हमारी माँ अगर मर गई तो लोग कहते हैं कि ये अछूत हो गया, शरीर अछूत हो गया, आप उसको बाहर कर दो और उसको लोग समाज के लोग जो है उसको बाहर कर देते हैं क्योंकि उनको सही चीज का ज्ञान नहीं है। माता तो माता है। क्या संदेश देंगे, सही ज्ञान क्या? हाँ, ये जो लोग हमारे हिंदू जिसको कहा जाता है और एक माँ 9 महीना कोख में रखने के बाद एक बच्चे को परवरिश देती है, मरने उपरांत उस बच्चे का पिता या माता उन लोग कहता है कि छुटका में चला गया, 13 दिन के बाद बाल मुड़वाएंगे वगैरह वगैरह बहुत सारे विधि व्यवहार है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा कहना है कि माता पिता अगर हमारा जन्म दिया, पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दिया और परिवार बसाने के लिए गृहस्थ आश्रम में हमें प्रवेश कराया, अब जब हमारे माता पिता थक जाते हैं यानी वो मर जाते हैं तो हमको उनको जो है अपने विधि पूर्वक जो हमारा जो संस्कार है जो पूर्व जन्म का हम लोगों के लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के रीति रिवाज से करना चाहिए तो हम लोगों को बौद्धिक रीति रिवाज से श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहिए। वर्तमान में जो माँ मर जा रही है, जो पिता मर जा रहा है, उसी की संपत्ति से 2 घंटा में बाल लोग दरवाजे पर करते हैं और 4 घंटे में उसको जो है स्वाहा कर देते हैं, उसके बाद 15 दिन अपने आप को कहते हैं कि हम छुटका में हैं। तो जो छुटका की जो रीति कैसे छुटका में वो जानना जरूरी। मैं छुटका लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था में छुटका का व्यवस्था रखा गया है। जब माँ जन्म मर गई तो बेकार हो गई, माँ मर गई तो बेकार कैसे हुआ? हम उसको जिस तरह हमको जन्म देकर वह खुशी से लालन पालन किया,
हमारा संस्कृति के अनुसार जो है उसको हंसी पूर्वक हंसते हंसते उसको शरीर को दाह संस्कार करके और हमको स्नान ध्यान करके दाह संस्कार करने जाना चाहिए। जिस तरह वो अपने बच्चे को पवित्र शरीर बनाकर और विवाह के लिए वह दूसरे के आंगन में भेजती है, तो माता भी अब दूसरे के शरीर को सौंपने जा रहे हैं। शरीर तब माँ को छूट गया, आत्मा छूट गए। आत्मा छूटने के बाद क्या होता है? वह जो है हम प्रकृति में उसको विलीन करेंगे। तो हमको उसको पवित्र बनाकर स्नान ध्यान करके अपने भी पवित्र होकर और उस शरीर को जो है धरती माँ के समर्पित करेंगे और उसके अग्नि द्वारा दाह संस्कार करके हम आएंगे। उसमें छुटका नाम का कोई चीज ही नहीं है। 13 दिन के बाद जो ब्राह्मण समाज खिलाना, 13 दिन के छुटका रखना हमारे धर्म के विरुद्ध है, बौद्धिक धर्म के विरुद्ध है। क्यों छुटका क्यों? जिस माँ ने हमको जन्म दिया वहाँ छुटका कैसे होता है? हम छुआछूत कैसे हो गए? अभी लोग कहते हैं छुटका, अब हमारी इच्छा है श्राद्ध करना। जिसके घर में माँ मर जाए वह हर घर पीड़ित है और उसको भोज करने की लोग आवाहन करते हैं कि आप भोज करिएगा, दान करिएगा, स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग तो सामने अभी पृथ्वी पर है जो हम उसको भोग रहे हैं। मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं होता है। स्वर्ग तो यह मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कहता है कि अगर माता पिता को दान नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाएगा। क्या संदेश देंगे समाज को? कि समाज को मैं यह संदेश देता हूँ, जितने ओबीसी के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, ये लोगों को मैंने स्वर्ग जो भी है वो यही है, स्वर्ग कहीं नहीं है। स्वर्ग दिखाने का पंडित का दुकान है, इसलिए ये पंडित जी का दुकान है जिससे उसका जीवन यापन चलता है। वह जो दान दक्षिणा पर खर्चा करता है वो अपने बाल बच्चा या गरीब के बच्ची को समाज में शादी ब्याह अच्छे परिवार में नहीं होता है, शिक्षा में नहीं होता, उसको शिक्षा पर खर्च करे। मेरा यह संदेश है कि हमारा समाज जो ओबीसी के लोग है, एससी एसटी के लोग है, वो श्राद्ध में छुआछूत कुछ नहीं होता है। और कृष्ण गीता में लिखे हैं कि जिस तरह पुराने कपड़े को हटाकर हम नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह शरीर और आत्मा में अंतर यही है कि वह शरीर को, पुराने शरीर को छोड़कर जब नए शरीर को धारण करते हैं तो उसको भोजन के लिए शरीर, कपड़ा के लिए शरीर जल गया, भोजन के लिए शरीर जल गया, तो मैं दान किसको करूंगा? वो तो ऑलरेडी कृष्ण गीते में कहे हैं। तो जब मेरा कृष्ण के जो विचारधारा है, मेरा कृष्ण पूजा का विरोध किए हैं, पूजा करने की जरूरत कहाँ है? पूजा के लिए कृष्ण जी, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ जवाहरलाल है, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। आप दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जवाहरलाल राय का ये कहना है कि यह जो हिंदू रीति रिवाज है, अभी आप जो जन्म देने वाली माँ है और पालन पोषण करने वाले पिता है, यह कहीं से भी सही नहीं है। आखिर उसके मरने उपरांत हम अपनी माँ को छुटका में, अपने आप को छुटका में मानते हैं और बाल जो मुंडन करवाते हैं इस रीति रिवाज का ये विरोध कर रहे हैं। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी, चूँकि हमारे हमारे चैनल का माध्यम है, किसी के भी धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाना नहीं, बल्कि हर गलत और हर सही खबरों को दिखाना। इनकी बात कहाँ तक सही है उसको आप लोग कमेंट में करेंगे। इनका बिल्कुल यही कहना है कि अगर माँ मरती है और पिता मरते हैं तो उसे छुटका के दृष्टि से नहीं देखा जाए, और भोज जो व्यवस्था है उसको जो है दान, लोग कहते हैं कि भैया दान करोगे, दान करोगे तुम्हारी माँ को स्वर्ग मिलेगा, इस व्यवस्था को भी ये गलत कह रहे हैं और भोज व्यवस्था को भी गलत कह रहे हैं। और उनका कहना है कि माँ और पिता दोनों को मरना तय, मृत्यु सत्य है, लेकिन उसकी जो दाह संस्कार की रीति है, वर्तमान रीति जो हिंदुओं में, वह गलत है ना। तो आप लोग इनके विचारों से अगर सहमत होते तो कमेंट कीजिएगा, और इस खबर को अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी ई न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।